split single Excel file in multiple windows. ये अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सेल का. अगर आपके पास एक्सेल में मल्टीपल शीट्स हैं और आप डिफरेंट शीट्स पे काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डिफरेंट शीट्स डिफरेंट बुक्स में हो, तो आप एक ही फाइल को ओपन कर सकते हैं कई बुक्स में. किस तरह? आप सबसे पहले यहाँ व्यू में जाएं. व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर दें, विंडो, न्यू विंडो. तो जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि एक और फाइल ओपन हो गई है सेम बुक की. देखिए यहाँ पे नंबर 2 आ गया. एक और ओपन करते हैं तो ये 3 हो जाएगा. तो इस तरह आप मल्टीपल शीट्स को डिफरेंट विंडोज में देख सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स में देख सकते हैं, और आप फिर यूज कंट्रोल टैब से उन शीट्स में मूव करके आप डेटा कंपेयर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. तो अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा इस शीट के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली बाकी शीट में भी चेंज होगा, क्योंकि ये एक ही बुक है. तो हम यहाँ पे टोटल सम ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं. सेलेक्ट किया, कलर चेंज किया. अब हम दूसरी बुक में जाते हैं तो आप देखें कि जो भी चेंजेस वहाँ हमने किए वो यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं. तीसरी बुक में भी वही चेंजेस नज़र आ रही हैं. और इस तरह आप अगर इसी बुक की किसी और शीट को ओपन करेंगे और आप यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा नज़र आ रहा है प्रोडक्ट वन का, वो यहाँ पे मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, तो ये आप एक ही बुक की डिफरेंट शीट्स ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को मैच कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे यही बुक खुली हुई है लेकिन इसकी दूसरी शीट खुली हुई है, और यहाँ पे जो भी चेंजेस हमारी हैं वो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं. तो इस तरह इसका ये फ़ायदा है कि आप एक ही बुक की डिफरेंट विंडोज़ बना सकते हैं और फिर डिफरेंट विंडोज़ के अंदर आप देखकर डेटा अपना कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट शीट्स ओपन करके, और जो भी काम आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होगा वन बुक के अंदर.